तो फायर एम्स में पैसे कमाने के बहुत सारे वेज हैं, लाइक शुगर केन की फार्मिंग करना और टीपी टैपिंग करके उनके हार्ट बेचना। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि फायर एम्स में एक ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारा पैसा एक ही बार में कमा सकते हैं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉनर्स। तो फायर एम्स के स्पॉनर्स हमें कुछ टाइम का AFK करने में बहुत सारा रुपए देते हैं, उन पैसों से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे स्पॉनर्स को कलेक्ट किया, वो भी फायर एम्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं जितने ज्यादा पॉसिबल वे से पैसे कमा सकता हूँ फायर एम्स में, वो सारी चीजें ट्राई करने वाला हूँ। ओके गाइस, तो मुझे गेम में भी मीडिया रैंक मिल चुकी है, एंड जस्ट लाइक मीडिया रैंक में कुछ सामान मिलता है एंड कुछ कीज। तो आज की इस वीडियो में मनी मेकिंग में हम लोग कीज भी ओपन करने वाले हैं। इफ अगर हम लोग कीज से कुछ अच्छा सामान मिल गया जिससे हम लोग अच्छी खासी मनी मेकिंग कर सकेंगे तो बहुत सही रहेगा। ओके, तो की ओपनिंग में मुझे कुछ खास आइटम नहीं मिला, मुझे कुछ डायमंड्स मिल रहे थे तो मैं इनको सेल करने जा रहा हूँ, एंड एक फायर सॉर्ड वो मैं अपने लिए रख लूंगा। 57,600 रुपीज मिले। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फायर एम्स की वीडियोस में लाता रहूंगा। एंड मैं आप लोगों से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अपना जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो न्यू हो चुका है, तो न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाके ज्वाइन कर लेना। अरे ये शकल कॉल क्यों कर रहा? हेलो हेलो। अरे शकल भाई क्यों कॉल किया भाई, स्क्रीन शेयर पे तो आओ एक बार। अबे ये क्या है? ये देखो भाई, ये बेच के मेरे पास पूरा नेदरराइट कार्ड बना चुका है। अभी ये सब तुमने किया कैसे भाई? इतना सारा स्पॉनर, इतने स्पॉनर कहाँ से आए तुम्हारे पास? बस सिस्टम है भाई अपना भाई, तुमने सामान नहीं दिया था ना भाई। अब देखो भाई, कुछ समय पहले ये मेरे पास फायर एम्स में सामान मांगने आया था एंड मैंने इसको मना कर दिया था। यार मेरे पास सर्वर में एक भी स्पॉनर नहीं है, ये वर्क कैसे करता दिखाना भाई। ये वर्क देखो भाई, यहाँ राइट क्लिक करा मैंने भी, इतनी जल्दी पैसे देते है क्या? मैं तेरे से पूछ रहा था तुम्हारे में ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा है। 4600H। हाँ ठीक है भाई, मैं आता थोड़ी देर में, ठीक है यार। एक दो स्पॉनर दे दे भाई। अरे भाई चल ना भाई। अबे दे दे भाई एक दो तो। तो ऐसा करते करते एकदम से मैंने उससे ग्राफिक कार्ड के बारे में पूछा एंड उसने F3 दबा दिया, जिसकी वजह से मुझे इसके कॉर्ड्स तो पता चल गए एंड उसके कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो नेदर की रूफ में है। मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स का तो पता चल चुका है नेदर के, अब बस हमें थोड़ा सा ऑब्सीडियन लेके एक नेदर पोर्टल बनाना है एंड उसके बाद हमें सीधा वहीं पे पहुंच जाना है। वो भी गाइज उसके हिसाब से जो उसने मेरे को कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मेरे को यहीं कहीं ऊपर माइनिंग मतलब ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई। कहाँ था वो, ऊपर चढ़ के देखते। आई थिंक कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो यही थे, मैं ऊपर चढ़ता गाइज। ओ ऊपर है गाइज, लेट्स गो, मैं पहुंचने वाला हूँ। लेकिन वो तो नहीं है कहीं, दिख तो नहीं रहा मेरे को। और ऊपर इट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी अपने चैनल के मेंबर्स बन रहे हो उनके लिए मेरे पास कुछ है। जस्ट लाइक जो लोग भी अपने चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, मैं उन्हें फायर एमसी में कुछ गिव अवेज करूंगा, जस्ट लाइक मीडिया किट एंड वेरी वेरी थिंग्स। मैं बहुत ओपे, वो वहीं पे है लेकिन ये FK है क्या? ऐसे मार तो पाएगा नहीं, इसके पास आर्मर तो कुछ मैंने दिया था नहीं, लेकिन इसके पास इतना सामान आया कैसे? लेदर के बूट्स पता था। ओके चेस्ट प्लेट इसने ये लगा, ओ पे इससे लड़ूंगा ना मैं अगर इसने। भाई साहब इतने सारे स्पॉनर्स, इससे होता क्या है? 870 मनी मेरे को ऐसे कैसे मिल रहा है? मैंने 351 लेवल्स। ओके गाइस, तो जब तक वो FK था मैंने उसके सारे के सारे स्पॉनर्स अपनी पिकैक्स से तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अबे VC बुलाना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, पर तू यहां क्या कर रहा है भाई? भाई जो कर रहा था वो तो हो गया भाई, जो मींस जो करने आया था। पर दे मेरे स्पॉनर दे भाई। कौन से स्पॉनर, कैसे स्पॉनर? मैं तो जब आया यहां कुछ था ही नहीं। था भाई, उन्हें तोड़े भाई सारे स्पॉनर भाई। कौन सा प्रूफ है तुम्हारे पास? अबे किधर चला गया ये 21,000? अबे ये रहा। स्पॉनर चुराने के बाद शकल यहाँ से भाग चुका था, नहीं तो मैं उसको मार के उसके आर्मर भी ले लेता। उसके बाद मैं वापस आके देखता हूँ मेरे पास कुछ मीडिया किट है एंड मैं सोचता हूँ उस किट को AH में बेचने की। तो उसके बाद मैं उस किट का प्राइस 4 मिलियन AH में लगा के सेल कर देता हूँ। और भाई क्या ही बताऊँ, बिक गया वो। अगली बार तो 5 मिलियन का लगाने की सोच रहा हूँ, जस्ट लाइक स्लैश AH में अगर मैं जाता हूँ। और योर आइटम कुछ भी नहीं भाई,
चार मिलियन इजी बिक गया। ओ भाई देख रहे हो 6,548 रुपीस हो गया है मेरे पास। शक्ल के जाने के बाद मैं सोच रहा था क्यों ना हम लोग इसको टेस्ट किया जाए कि ये हमें कितने मनी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सारे स्पॉनर्स को रख दिया है। अब मैं थोड़ी देर का AFK करने वाला हूँ एंड चेक करता हूँ कितने रुपए मिलते हैं। और अगर मैं इससे पैसे लूँ 1.7 के लगभग, अगर ये पूरे फिल होंगे है ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को एक बार में 3-4 हज़ार रुपये ही दे पाएंगे। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी स्पॉनर से ज़्यादा पैसे लेने की, लेकिन ये 30 मिनट्स में ये बहुत ज़्यादा कम ही रुपए दे रहे थे। तो आई थिंक स्पॉनर सही नहीं थे मेरे लिए। एंड हाँ, अगर आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फॉर न्यू वीडियोज़। बाय बाय।